हेलो गाइस, ये एक वीडियो आईक्यू 7 के ऊपर होने वाला है। बोल सकता हूँ एक क्विक रिव्यू वीडियो होने वाला है, क्योंकि आईक्यू 7 अभी बहुत ही अच्छे ऑफर पे आ रहा है। 25,490 पे आपको देखने को मिल रहा है आईक्यू 7। और क्या अभी आईक्यू 7 लेना सही रहेगा, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको आईक्यू न्यू 6 लॉन्च होने वाला है इंडिया पे, तो इस ये भी बताने वाला हूँ। और कैसे आपको ऑफर अप्लाई करना है अमेज़ॉन पे, 25,490 पे आपको कैसे मिलेगा, चलिए बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आपको कैसे ऑफर का अप्लाई करना है। यहाँ पे अमेज़ॉन पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा कूपन कार्ड देखने को मिलेगा, जो कि 3,000 का है। और देख कूपन कार्ड अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे 26,990 शो करेगा। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बैंक्स ऑफर्स पे। यहाँ पे आपको पहले ही सेक्शन पे देखने को मिलेगा 1,500 का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है ऑल बैंक्स कार्ड पे। तो किसी भी बैंक का कार्ड है तो आपके पास हो जाएगा। एंड डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, तो कोई सा भी कार्ड हो आपके पास ये कूपन आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सभी के पास तो कार्ड्स होता ही है किसी ना किसी बैंक का, तो मान सकता हूँ सभी लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं कि आपको आईक्यू 7 अभी ख़रीदना चाहिए, और ख़रीदना चाहिए तो क्यों चाहिए, एंड आईक्यू नियो 6 का क्या आपको इंतज़ार करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बोल सकता हूँ, अगर आपका बजट 26 या 25 के आसपास है, स्ट्रिक्ट बजट है, तो आईक्यू 7 बहुत ही अच्छा चॉइस रहने वाला है। 870 प्रोसेसर के साथ बहुत ही स्टेबल परफॉर्मेंस, एंड 1 ईयर भी मेरा हो गया है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अभी भी मिल पा रहा है इस डिवाइस पे। अभी भी अच्छे से गेमिंग करवा लेता है, कंपिटिटिव भी यहाँ पे आप अच्छे से खेल सकते हैं एक 25,000 का आसपास का रेंज का डिवाइस पे, जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड जिन जिन का बजट थोड़ा हाई है, 30K के आसपास है, तो उनको मैं सिंपली बोल सकता हूँ थोड़ा वेट कर लीजिए, आईक्यू न्यू 6 लॉन्च होने दीजिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा तो चेंजेस नहीं है, बट थोड़ा बहुत क्या चेंजेस है एंड इम्प्रूव हुआ है आईक्यू 7 से, वो थोड़ा इम्प्रूव वर्जन है। जिन जिन को 888 प्रोसेसर पसंद नहीं है, क्योंकि 888 प्रोसेसर पे आपको हीटिंग तो देखने को मिलेगा और बैटरी ड्रेन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है प्रोसेसर, तो इसके वजह से आपको वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स तो देखने को मिलता है। बट जो 870 प्रोसेसर है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल प्रोसेसर है, एंड बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 870 प्रोसेसर पे। उसके वजह से बहुत ज़्यादा 870 को अच्छा मानते हैं और 870 प्रोसेसर पे जाना चाहते हैं। एंड मेरा भी ये मानना है कि अगर आप 30K के अंडर डिवाइस ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कैसे रहता है वो डिवाइस, उसका रिव्यू या फिर देखने के बाद आप बाय कर सकते हैं आईक्यू न्यू 6 का, क्योंकि 870 प्रोसेसर एंड आईक्यू 7 से अपग्रेड होने वाला है। उस पर 3 ईयर्स और ज़्यादा अभी से आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा 3 ईयर्स, क्योंकि आईक्यू 7 का 1 ईयर जा चुका है और 2 ही ईयर्स है आईक्यू 7 का अपडेट, तो इसके वजह से वेट करना सही रहेगा अगर 30K का बजट है तो आपके पास, नहीं तो आईक्यू 7 पे ले लीजिए, ये मैं बोल सकता। और 25 को लॉन्च होने वाला है, 25 मई को लॉन्च होने वाला है आईक्यू न्यू 6, चलिए देखते हैं कैसे रहेगा। एंड अगर आप चाहते हैं आईक्यू 7 एंड आईक्यू न्यू 6 के बीच में कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, एंड बहुत ही जल्द मेरे आईक्यू 7 का 1 ईयर का रिव्यू आने वाला है, तो चलिए देखते हैं।